अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। उनमें विभिन्न जनउपयोगी और जनकल्याणकारी निर्णयों पर मोहर लगाई गई। आज की कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हमारी सरकार का और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर गरीब को मकान मिले और उसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी, उसमें पहले नगरीय निकायों को राजस्व विभाग द्वारा जो नजूल की ज़मीन दी जाती थी वो लीज होल्ड पर दी जाती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया है कि अब आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नजूल की ज़मीन नगरीय निकाय को भूस्वामी हक के अनुसार दी जाएगी और पूर्व में भी जो लीज होल्ड पर ज़मीनें इन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई हैं उनको भी अब भूस्वामी हक में परिवर्तित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी तरह का प्रीमियम या भूभाटक नहीं लिया जाएगा। इससे इस प्रोजेक्ट में जहां गति आएगी, गरीबों को जो मकान मिलने हैं उनका निर्माण शीघ्र गति से होगा और उसके साथ ही इस योजना में जो क्रॉस सब्सिडी के अंतर्गत LIG, MIG या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने हैं उनमें भी गति आएगी। इस निर्णय से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के गरीबों को जल्द से जल्द मकान सुव्यवस्थित रूप से मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इंदिरा सागर परियोजना में जो डूब प्रभावित परिवार हैं उनको नगर परिषद छनेरा में वार्ड क्रमांक 1 से 7 और 15 नंबर वार्ड में पूर्व में जो पट्टे दिए गए थे, आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि उन्हें उन पट्टों को भी भूस्वामी हक दिया जाएगा। इससे लगभग 2392 लोगों को लाभ मिलेगा। ये भी एक बड़ा निर्णय आज की कैबिनेट में किया गया। कोरोना महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 बहुत प्रभावित रहा। मदिरा की दुकान के लाइसेंसी यदि अगले साल भी उस दुकान को चलाना चाहते हैं तो आज निर्णय ये लिया गया है कि 2020-21 में जो मदिरा दुकानों का मूल्य था उसमें 10% की वृद्धि कर यदि कोई लाइसेंसी उस दुकान को पुनः लेना चाहता है तो ये निर्णय आज सरकार की द्वारा लिया गया है। 2020-21 की कीमत में 10% की वृद्धि कर 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक इन 10 महीनों के लिए उसी लाइसेंसी को वो दुकान पुनः चलाने की व्यवस्था की जाएगी जिसमें 10% की वृद्धि होगी। यदि कोई लाइसेंसी 10% की वृद्धि को स्वीकार नहीं करता है और दुकान छोड़ता है तो उसकी पृथक से नीलामी होगी, उसका पृथक से टेंडर होगा। ये देखा गया है कि बहुत जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश में मदिरा के दाम बहुत ज़्यादा हैं, ये हमारी सरकार का निर्णय है। मदिरा पान को हतोत्साहित करने के लिए हमने शराब के दाम लगातार बढ़ाए हैं, परंतु ये देखने को मिलता है कि बढ़े हुए दाम के कारण कुछ रसायन के सेवन से गरीब व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो विभाग ने ये भी प्रस्ताव भेजा था कि जो 180 ml का पैकिंग है उसको 90 ml की पैकिंग में भी बाज़ार में उपलब्ध कराया जाए, तो कैबिनेट ने उस पर भी निर्णय लिया है। 180 के दाम से आधे दाम पर
90 ml की मदिरा की भी बिक्री होगी। उसके साथ ही आज कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में पुनः हमें संतोषजनक स्थिति देखने को मिली है। हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कोरोना को कंट्रोल करने में सफल रहा है। पहले भी ये कहा गया है कि जनता के आत्मानुशासन और सरकार की नीति के कारण हम लगातार कोरोना संकट से अपने प्रदेश को बचाते आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां एक और संक्रमण की रफ्तार को रोकने के विभिन्न कदम उठाए, तो उसके साथ ही मरीजों को सुव्यवस्थित इलाज मिल सके इसकी भी संपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है। मरीजों को उचित समय पर इलाज मिले, मरीजों को मुफ्त में फ्री में इलाज मिले, कोई भी दवाई की कालाबाजारी ना हो, कोई भी अस्पताल अधिक पैसे मरीजों से वसूल ना कर पाए, होम आइसोलेशन से लेकर कोविड केयर सेंटर तक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, किल कोरोना अभियान के माध्यम से गांव में बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के विभिन्न प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में किए और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश जो पहले कोरोना के मामले में तीसरे चौथे स्थान पर था, विगत दिनों तक सातवें स्थान पर था और आज हम 15वें स्थान पर हैं। हमने लगातार कोरोना के मामले में स्थिति मध्य प्रदेश में ठीक की है। हमारा पॉजिटिविटी रेट लगातार घटा है और आज वो घटकर 11.83% हो गया है। इसी तरह हमारे जो पॉजिटिव केस हैं वो 8087 हुए हैं, परंतु रिकवरी 11671 की है। ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक बात है। पॉजिटिव केस 8000 आए हैं और रिकवरी 11671 हुई है। इस प्रकार से रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ा है। आज रिकवरी रेट लगभग 84.47% है। तो मध्य प्रदेश इस मामले में निश्चित रूप से सफल रहा है कि हमने अपनी पॉजिटिविटी रेट को घटाया है और हमारे रिकवरी रेट को बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से इस बात को निर्देशित किया है और ये दुनिया की स्टडी भी कहती है कि कोरोना का बचाव जल्द से जल्द उस बीमारी के डिटेक्शन से, उस बीमारी के बारे में पता लगते ही यदि इलाज शुरू होता है तो उससे होता है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने लगातार टेस्टिंग को लेकर प्रयास किए हैं और हमें प्रसन्नता है कि कल हमने रिकॉर्ड 68,351 टेस्ट मध्य प्रदेश में किए हैं। ये अभी तक के हमारे कोरोना काल के सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। उसी तरह हमने आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स को फ़ोन कॉल होना है उसकी हमारी स्थिति संतोषजनक है। लगभग 95% हमारे होम आइसोलेटेड मरीज को हम रोज़ कम से कम एक बार फ़ोन कॉल के माध्यम से उसकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा भी मध्य प्रदेश में हमने उपस्थित कराई है और इसमें लगभग 50,000 लोगों को हमने टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय बैकअप दिया है, उसको परामर्श दिया है। कोविड केयर सेंटर हमारे 52 जिलों में 354 सुचारू रूप से चल रहे हैं और उसके साथ ही गांव में भी लगभग 22,000 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में हमने 270,000 जो बिस्तर लगाए हैं वो अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ठीक हुई है और जिन मरीजों को ICMR और एम्स की गाइडलाइन के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत होती है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में चल रही है। ऑक्सीजन हमारे लिए एक चुनौती था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से चाहे ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने का मामला हो, चाहे प्रोक्योर की हुई देश के विभिन्न स्थानों से ऑक्सीजन को जिले में विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पहुँचाने का मामला है, वो हमने व्यवस्था सुचारू रूप से की है। हमारा किल कोरोना अभियान
पूरे प्रदेश में बहुत व्यवस्थित चल रहा है और उसी का परिणाम है कि हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में हर गांव में हर घर तक हमारी सर्वे टीम जा रही है, जिसमें जहां एक और हमारे प्रशासकीय कर्मचारी हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से और एक बड़ा समाज को जोड़ने का जो निर्णय लिया गया उसमें हमारे विकास खंड स्तर पर भी हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने 313 विकास खंडों में लगभग 253 विकास खंडों 313 में से 253 विकास खंडों में हमने संकट प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया, जिसमें कि हम 46,266 गांवों में से हमने 38,934 गांवों में इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की स्थापना की। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो गांव के अलग अलग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उस गांव के संभ्रांत व्यक्तियों को मिलकर बना है, वो किल कोरोना अभियान में प्रशासकीय टोली के साथ मिलकर घर घर का सर्वे कर रहा है और गांव कोरोना मुक्त हो इसका प्रबंध कर रहा है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 407 स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश में 7,668 वार्ड में से 6,646 वार्ड स्तरीय हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए हैं जो कोरोना को लेकर जहां जन जागरण कर रहे हैं और जल्द से जल्द जिन मरीजों को कोरोना के लक्षण दिखते हैं उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराना और टेस्ट कराना इस काम में लगा है। मध्य प्रदेश लगातार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से निपटने के लिए सत प्रयास कर रहा है और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जनता के सहयोग, जनता के आत्मानुशासन और सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के कारण, प्रयास के कारण हम मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को कम करने में सफल रहे हैं।